नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया जॉब लेके आया हूँ, और आज का जो जॉब है वो टोटली नर्सिंग के ऊपर है और फार्मासिस्ट के ऊपर है। तो जितने सारे दोस्त बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर, नर्सिंग में जितने सारे मेरे बहनें नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 9879 वैकेंसीज है, और यहाँ पे टोटली फार्मासिस्ट के लिए भी पोस्ट है और नर्सिंग के लिए भी है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पे सारे डिस्कशन करूंगा, जॉब का क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ सैलरी पैकेज और अप्लाई अप्लाई का कौन सा लिंक में जाकर करेंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लिंक्स में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा कंटिन्यूसली वीडियो और अपडेट पाने के लिए। तो देखिए, SIHFW, तो इसका एक्चुअली जो जॉब है वो आपको मिलेगा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर। तो टोटली जो जॉब है वो आपको राजस्थान में मिलेगा, तो ऑब्वियसली स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलेगा। और 9879 जो वैकेंसीज है उनमें से फार्मासिस्ट के लिए 2859 वैकेंसीज है, और नर्सिंग के लिए 7020 वैकेंसीज है। इसका मतलब बहुत सारा वैकेंसीज है नर्सिंग के लिए। जितने सारे दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई करिए। तो एज लिमिट कोई भी एज लिमिट नहीं है, मतलब मेंशन नहीं किया गया है, तो आप नोटिफिकेशन में आपको जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज मुझे बहुत बार कमेंट्स आते हैं, सर क्या मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में पता है, अगर आप हिंदी अच्छे खासा बोल लेते हैं तो ऑब्वियसली आप जरूर अप्लाई करिए। आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रिटिन और इंटरव्यू दोनों के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी पैकेज आपको सिलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा, अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। एप्लीकेशन फीस कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो आपको नर्सिंग के लिए नर्सिंग कोर्स मतलब BSc नर्सिंग आपको कम्प्लीट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और फार्मासिस्ट के लिए आपको फार्मासिस्ट में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फार्मासिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन दिखा दूं तो आप ध्यान से देख सकते हैं, नर्सिंग पोस्ट के लिए 7020 के आसपास टोटल वैकेंसीज है, और इस वैकेंसीज का डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जहाँ पे देखिए आपको मेंशन किया गया है, वेबसाइट मेंशन किया गया है, इस वेबसाइट में जाकर आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो वेबसाइट का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, देखिए नीचे में एक लिंक दिया हुआ हूँ, यहाँ पे अप्लाई बटन का नोटिफिकेशन का इस लिंक आपको मिलेगा। नीचे एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में जाकर आपको क्या करना है, अप्लाई बटन और नोटिफिकेशन में क्लिक करना है। जब अप्लाई बटन और नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको इस पेज में जाना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो अप्लाई कहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा नर्सिंग ऑफिस रिक्रूटमेंट, सॉरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट, एंड यहाँ पे देख सकते हैं फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट। तो आप यहाँ पे नर्सिंग में क्लिक करिए, उसके बाद आपको सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको नर्सिंग रिक्रूटमेंट के यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करिए तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। देखिए जो एडवर्टाइजमेंट आपको मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, आपको क्या करना होगा, अप्लाई बटन में अप्लाई करना होगा। तो इसी तरीके से जॉब को ढूंढ के आपको अप्लाई करना है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते रहते हैं, सर अगर मैं प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो कंप्यूटर स्किल का जरूरत है, तो कंप्यूटर स्किल कहाँ से सीखूँ? देखिए इसके लिए मेरा नया सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ कंप्यूटर स्किल के ऊपर, जाकर जरूर इस वीडियो को देखना, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अगर डिटेल्स वीडियो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो जरूर बना के दूंगा। ज्यादा कमेंट आएंगे तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।